नमस्ते, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं द लैलनटॉप डॉट कॉम। वर्ल्ड कप 2019 एक के बाद एक टीमें अनाउंस हो रही हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी अनाउंस हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने अपनी 15 मेंबर्स की टीम का ऐलान कर दिया है। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं इस टीम पर, कौन कौन है इस टीम में। सरफराज अहमद हैं कप्तान हैं, फ़खर जमान हैं, इमाम उल हक हैं, बाबर आजम हैं, शादाब मलिक हैं, शोएब मलिक हैं, फरीम अशरफ हैं, शाहीन अफरीदी हैं, हसन अली हैं, आबिद अली हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, इमाद वसीम हैं, जुनेद खान हैं, मोहम्मद हसनैन हैं और हैरिस सोहेल हैं। ये है पाकिस्तान की 15 प्लेयर्स की टीम। इस लिस्ट में सभी नाम आपने लगभग सुने होंगे, बस एक नाम नया लग रहा होगा। और इस लिस्ट में एक नाम जिसकी उम्मीद थी वो गायब भी होगा, और वो नया नाम है मोहम्मद हसनैन का, और जो नाम मिसिंग है वो है मोहम्मद आमिर। इंजमाम उल हक ने टीम की घोषणा करते हुए कहा कि आमिर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जो पाकिस्तान ने 0-5 से हारी थी और उसमें आमिर बिल्कुल नहीं चले थे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस बार एक नया चेहरा उतारा है, एक सरप्राइज एलिमेंट अपनी टीम में जोड़ा है। इंजमाम ने कहा कि ये लगभग वही टीम है जिसने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कोई सीरीज नहीं जीती है। आमिर ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से 14 वनडे मैच खेले हैं और सिर्फ 5 विकेट लिए हैं, इसलिए उन्हें टीम में नहीं जगह मिली है। आइए अब जानते हैं इस नए पाकिस्तानी बॉलर मोहम्मद हसनैन के बारे में। तेज गेंदबाज हैं और अपनी स्पीड के चलते अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया है सेलेक्टरों का। अभी 5 अप्रैल को हसनैन 19 साल के हुए। पाकिस्तान के घरेलू टूर्नामेंट कायदे आजम ट्रॉफी में सितंबर 2018 में डेब्यू किया था। PSL के क्वेटा ग्लेडिएटर्स के लिए T20 खेलने इसी सीजन फरवरी में उतरे थे। इस टूर्नामेंट में हसनैन की तरफ ध्यान तब गया जब उन्होंने 151 kph की स्पीड से गेंद फेंकी थी। PSL में यानी पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर जलमी के खिलाफ 4 ओवरों में 30 रन देकर 4 विकेट लेने वाले हसनैन को इस मैच में मैन ऑफ द मैच भी दिया गया था। 24 मार्च 2019 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ UAE में वनडे सीरीज के दूसरे मैच में इन्होंने डेब्यू किया। अभी तक पाकिस्तान के लिए सिर्फ 2 वनडे मैच खेले हैं, 3 विकेट लिए हैं हसनैन ने। ये पाकिस्तान के हैदराबाद की गलियों से क्रिकेट खेलते हुए निकले हैं। पिता क्लब क्रिकेटर रहे हैं और हसनैन को इससे पहले टेनिस बॉल के अलावा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मगर फिर एक एकेडमी ज्वाइन कर ली और पाकिस्तान की अंडर 16 टीम में जगह मिल गई। फिर एक दिन वकार यूनुस की नज़र इस बॉलर पर पड़ी और इसे PCL ले गए, मगर 2016 में एक मामूली सी पैर की चोट बड़ी हो गई और पूरे सीजन के लिए वो बाहर हो गए। इनकी बॉलिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनकी स्पीड है। लगातार कंसिस्टेंटली वो 140 की स्पीड से गेंदबाजी कर सकते हैं, बाउंसर्स भी प्रभावशाली तरीके से डालते हैं। शोएब अख्तर और मोहम्मद शमी को अपना आइडल मानते हैं मोहम्मद हसनैन। अब सवाल ये कि इन्हें टीम में लिया क्यों गया। पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि हर बड़े इवेंट में वो नए खिलाड़ियों को उतारें जिनके बारे में बाकी टीमों को ज़्यादा पता ना हो, कोई ज़्यादा तैयारी ना हो जिनके खिलाफ। कोशिश यही रहेगी कि वर्ल्ड कप में बड़े मुकाबले में मैदान में इन्हें उतारकर विरोधियों को चित किया जाए। आप इस बॉलर पर क्या सोचते हैं, पाकिस्तान की इस पूरी टीम पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। IPL क्रिकेट और वर्ल्ड कप से जुड़ी हर वीडियो और अपडेट जानने के लिए पहुंचे thelallantop.com। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, अगर यूट्यूब पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो दी लल्लन टॉप की एंड्रॉयड ऐप आ चुकी है जिसे आप इंस्टॉल कर लें। शुक्रिया।